हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं यहां आई हूं अपने मशीन पर। तो यहां से हम प्याज को ले लेते हैं। तो दो प्याज की जरूरत मुझे है, तो मैं दो प्याज ले रही हूं। और हरी लहसुन की पत्तियों को तोड़ लेते हैं। तीन चार पत्तियां मैं तोड़ूंगी यहाँ से। लहसुन की पत्तियों से सब्जियों में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। यदि आपके पास है तो इसे जरूर डालिएगा सब्जी में। तो यहाँ से हरी धनिया की पत्ती ले लेते हैं। आज हम बनाएंगे कटहल के कोफ्ते। तो सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेते हैं, उसको थाली में भी लगा लेंगे और जिससे हम इसे काटेंगे उसमें भी हम सरसों का तेल लगा लेंगे। तो हम कटहल को काट लेते हैं। ये मैंने छोटा कटहल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो इस तरह का यदि आप कटहल का कोफ्ता बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ हम कटहल को दो तीन भागों में काट कर उसका छिलका उतार लेते हैं, फिर उसे हम इसको काट लेंगे। देखिए इसके बीच का जो डंठल होता है उसे भी हमने निकाल दिया है और इसका छिलका भी उतार लिया है। तो इसको हम बारीक काट लेते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला लिया हुआ है, इसमें हम दो गिलास पानी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। कटहल को काटकर धोकर हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम पतीले में कटहल को डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जो है हल्दी पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे हमारा कटहल बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाए। आप इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं, कुकर में दो सीटी लगाकर आप इसे उबाल सकते हैं। को हमने जला लिया है। जब तक हमारा कटहल उबल रहा है तब तक हम यहाँ हरी धनिया की पत्ती को काट लेते हैं। लहसुन की पत्तियों को काट कर रख लेते हैं। जो हमने प्याज लिया था उसे हमने छीलकर धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम उसे बारीक काट लेते हैं। इधर हमारा कटहल हो चुका है, तो इसको हम एक पतीले में निकाल लेते हैं छानकर। पहले कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए हमने लिया है, ये हमने कटहल लिया हुआ है, इसे हमने उबाल लिया है। और ये हमने हरी और लाल मिर्च ली है, अदरक का पेस्ट लिया हुआ है, और ये हमने जीरा पाउडर लिया है, इसे हमने कूट लिया था। लहसुन की पत्तियां ली हैं, हरी धनिया की पत्ती ली है, और ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, और ये हमने बेसन लिया हुआ है। सबसे पहले हम कटहल को मेस कर लेते हैं। हाथों की सहायता से इसे हम मेस करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये मेस हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कटहल को मेस कर लिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से छोटे कटहल का आप जरूर बनाइएगा एक बार कोफ्ता। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी लाल मिर्च, और इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट, और इसमें डाल देते हैं जीरा, और लहसुन की पत्तियों को डाल देते हैं, और हरी धनिया की पत्ती ली है जो हमने उसे डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर,
और इसमें हम डालेंगे अब बेसन। बेसन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम इसे सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। हमें कोफ्ते में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इसमें पानी ऑलरेडी हमारे कटहल में रहता ही है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब हम इसमें दोबारा थोड़ा सा और बेसन डालेंगे। हम इसमें बेसन बहुत ज़्यादा करके नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा कोफ्ता बहुत ही सख्त बन जाएगा। तो अब हम इसे मिला लेते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए हम किस तरह से मैंने बनाया है, तो इसी तरह से आप छोटे छोटे, बड़े या छोटे साइज में बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल और इसे गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, तेल हमने मीडियम गरम किया हुआ है, तो इसमें हम कोफ्तों को डाल लेते हैं। हमें इसे मीडियम आंच पर पकाना है, नहीं तो कोफ्ते हमारे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम कोफ्तों को उलट पलट देते हैं। कोफ्ते हमारे जब एक तरफ से नीचे से हो जाए तभी हमें इसे पलटना चाहिए। कोफ्ते हमारे हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। तेल इसमें ज़्यादा था तो उसे हमने बाहर और निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग और जीरा डाल देंगे, दो लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता डाल लेते हैं और इसे चटकने देते हैं। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, एक दालचीनी ली है, एक बड़ी इलायची ली है, दो छोटी इलायची ली हुई है और काली मिर्च ली हुई है। इसे हम इसी समय डाल देंगे क्योंकि इसमें गर्म मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बाद में हम इसमें नहीं डालेंगे। और इसमें अब हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज को डालकर हम इसको हल्का ब्राउन भून लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को डाल देते हैं। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देते हैं, इससे जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ मैंने दो टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम टमाटर को चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, दो चम्मच के करीब इसमें मैं धनिया पाउडर डाली हूँ। और इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं दो चम्मच के करीब मलाई। यदि आपके घर में है मलाई तो इसे ज़रूर डालिएगा, इससे जो कोफ्ते का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। मलाई डालते समय हम आंच को एकदम धीमा कर देंगे। अब हमने मलाई और मसाले सारे अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डाल देंगे। इसमें मैंने एक कटोरी के लगभग पानी डाला है। okay.
हम यहाँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मैंने ये पैकेट वाला डाला है, तो इससे जो स्वाद आएगा कटहल के कोफ्ते का वो बहुत ही बढ़िया आएगा। हम इसे ढक देते हैं, एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ा रगड़ कर डालेंगे। मैंने थोड़ी देर सब्जी को और पका लिया था, अब हम इसमें डाल देते हैं कटहल के कोफ्ते। हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। ये देखिए हमारे कटहल के कोफ्ते बनकर अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।